हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम चौधरी आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएनसी प्रोग्रामिंग वेव के अंदर। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं सीएनसी टर्निंग मशीन जो होती है उसके अंदर हम टेपिंग कैसे करेंगे। तो टेपिंग की क्या साइकिल होती है, उसका क्या फॉर्मेट रहने वाला है, उसके अंदर कौन सी सेफ्टी पॉइंट का ध्यान रखना ताकि हमारा टेप नहीं टूटे। तो इन सब की जानकारी आपको मैं इस एक ही वीडियो में देने वाला हूं और आपके जो भी डाउट है वो सारे क्लियर होने वाले हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से आप इस वीडियो के एंड तक आप सीख जाओगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आइए बढ़ते हैं दोस्तों। साइकिल है वो होती है G84 साइकिल, ठीक है। टर्निंग में क्या होता है कि हमारा जो ड्रिल और टेप होता है, पार्ट हमारा रोटेट करता है, इसलिए हम ड्रिल टेप इसमें सेंटर में करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक ड्राइंग दी है, 50 का ओडी है, 40 की इसकी लेंथ है पार्ट की, उसमें यहाँ पर M12 की थ्रेड बनानी है। तो M12 × 1.75 ये इसकी पिच है, M यानी मेट्रिक थ्रेड है। तो इसी का हमें एक टेप लेना पड़ेगा इतनी पिच का, वो टेप इसमें चलाएंगे, लेकिन टेप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए हमें ड्रिल करना पड़ेगा। अब ड्रिल कितना का करना है, तो जितने की पिच होती है वो हम 2.5 से घटा लेंगे, जैसे 12 में से 1.75 हम घटा देंगे तो हमें 10.25 या इससे बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, आप 10.3 या 10.4 का ड्रिल मार दो, परफेक्ट है, इतने का हम ड्रिल मारेंगे। अब इसकी टेपिंग की डेप्थ कितनी है, 20 mm मांगी है, तो चूड़ी की डेप्थ 20 mm मांगी है यहाँ से यहाँ तक की 20 mm। तो हम ड्रिल की जो डेप्थ है वो 4-5 mm एक्स्ट्रा ही करेंगे, 24 से 25 mm इसकी हम ड्रिल की डेप्थ करेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके लिए टेपिंग जो चलाएंगे तो ड्रिलिंग कैसे करनी है, तो ड्रिलिंग का मैंने एक पूरा ही सेपरेट वीडियो है, आप उसमें जाकर देख सकते हो, ठीक है, अगर आप बिल्कुल नहीं हो तो। बढ़ते हैं आज के G84। तो G84 का फॉर्मेट है G84 और इसमें डालना आपको एक्स, तो एक्स तो हमारा रहेगा क्या, 0। जेड इसमें डेप्थ, जेड माइनस की कितनी, 20 mm, तो जेड माइनस के 20 डाल दिया। और इसमें डालना है आपको आर, आर रिट्रेक्शन, जो हमारा टेप चलने के बाद वापस कितना बाहर निकलेगा। तो जेड हमारा 0 यहाँ होगा, तो यहाँ से हम 2 डाल देंगे और यहाँ पर फीड। अब जो टेपिंग की जो फीड है वो पिच के बराबर होती है, ये ध्यान रखना आपको, इसको आप बिल्कुल एकदम अच्छे से नोट कर लो, चाहे आप मिलिंग पे हो या टर्निंग पे, टेपिंग फीड बराबर होती है पिच या फिर लीड, टेपिंग फीड या थ्रेडिंग फीड, ठीक है, ये जो फीड रहेगी हमारी वो रहेगी पिच या लीड के बराबर, ठीक है। अब पिच या लीड क्या है, तो पिच जो हमारी होती है क्रस्ट से क्रस्ट या रूट से रूट की दूरी, ठीक है, ये पिच होती है। लेकिन अगर मान लो 2-स्टार थ्रेड बना रहे हो या 3-स्टार या 4-स्टार है, तो उसमें जो एक पिच की एक क्रश से दूसरे क्रश तक की डिस्टेंस को हम लीड बोलते हैं। जैसे मान लो 2-स्टार थ्रेड हो, तो इसमें ये पहली स्टे ये अलग है और ये अलग है, इसको मैं आगे और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये पिच नहीं होगी, पिच सेम स्टार्ट वाले पॉइंट के नेक्स्ट, उसके उसी थ्रेड का नेक्स्ट पॉइंट जो है क्रस्ट या रूट जो भी है वो वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो लीड होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट, तो फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इस फॉर्मेट को लगाने से पहले आपको टर्निंग में क्या होता है कि आपको M29 कोड को लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने M29 नहीं लगाया है तो आपका टेप डेफिनेटली टूट जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। M29 जो होता है वो मैंने एम कोड की जो अपनी मेरी वीडियो, तो उसमें भी आपको समझाया था कि रिजिड टेपिंग में है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपका टेप है ना वो क्लॉकवाइज घूमता हो जाएगा, और जैसे ही टेप तो घूमेगा नहीं, सॉरी, टर्निंग में क्या होता है हमारा पार्ट रोटेट होता है, तो हमारा क्या होगा कि इसमें पार्ट रोटेट यू कर रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज हमारा M04 के अंदर पार्ट घूमेगा, टेप गया और उसके तुरंत बाद वापस जब निकलेगा तो सेम फीड के साथ ही हमारा जो चक है उल्टा घूमना चाहिए। तो उल्टा कब घूमेगा, जब हम क्या लगा देंगे, M29 कोड लगा देंगे इस कोड के थ्रू, ठीक है। और RPM मान लो मैंने 200 RPM दे दिए इसमें, और ये इस तरह से कोड लगाएंगे हम जो कि हमारा हेडर के अंदर रहेगा, ठीक है। तो M29 कोड लगाना बहुत ज़रूरी है, बस मेरा कहने का मतलब समझाने का ये था कि इस कोड को लगाना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों,
बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे और ऐसी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।